हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, मुझे कल किसी ने कमेंट किया था कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है ना, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। देखिए, वीडियो बना ही रहे तो हम थोड़ा डिटेल ही निकालेंगे। ये वीडियो ना मैं पार्ट्स में निकालूंगे क्योंकि रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ये पता है हम लोगों को। तो आज क्या डिटेल में निकालूंगे ना कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। और हेवी अगर एनर्जी आती है तो आपके लिए मैं आर्केंजल माइकल के भी कुछ गाइडेंस लूँगी और आर्केंजल रफाइल की भी मैं गाइडेंस अगर लूँगी अगर एनर्जी आपके लिए हेवी आती है तो। देखिए, रीडिंग अगर थोड़ी मतलब हो जाती है अकॉर्डिंग टू माई पीरियड के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से, तो मैं पर्सन के भी एनर्जी टूवर्ड्स आपके पर्सन क्या है और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है मैं ये भी निकालूंगी। देखिए, रिलेशनशिप के लिए मैं चाहती थी कि मैं रिलेशनशिप की करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन में निकालूँ, बट क्या होता है ना कि जब हम रिलेशनशिप की एनर्जी निकालते हैं तो उस वक्त बहुत हिडन फीलिंग आपके पर्सन के और आपके उनके थर्ड पार्टी के बीच की बहुत ज़्यादा आ जाती है। फिर वहाँ पे वो पूरा कैलकुलेट करके बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो पार्ट वन पार्ट टू की मैं रीडिंग निकाल लूँ। आज पार्ट वन में मैं निकालूँगी आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे और थर्ड पार्टी को लेकर इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। अगर मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो मैं थर्ड पार्टी के साथ उनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम भी लूँगी। एनर्जी अगर आपके लिए हेवी आती है, मैसेज अगर आपके लिए बहुत हेवी डिलीवर होते हैं तो मैं आर्केंजल माइकल की गाइडेंस लूँगी आपके लिए और रफाइल की भी गाइडेंस लूँगी ताकि आपको सही तरीके से गाइडेंस मिले, अंदाज़ा हो कि ये रिलेशनशिप आपको कहाँ लेके जा रहा है और आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले गाइस, जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं आज भी जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का बहुत वेलकम टू आवर फैमिली गीतांजलि हिल्स। ये आपके अपने फैमिली हैं। यस, माय चैनल नेम इज़ गीतांजलि हिल्स बट माय एक्चुअल नेम इज़ उज्ज्वला सागरे। सो बहुत कंफ्यूज हो जाती है जब भी लोग मुझे डील करते हैं तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जब तक मेरी आवाज़ भी सुन लेते उनको समझ में नहीं आते कि ये मैं ही हूँ। गीतांजलि इज़ माय मतलब ये मेरा मतलब बर्थ नेम है जब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बट अब तक क्या है ना कि सब नाम मैंने अपने जो ऑफिशियल नेम है इसी नाम से कुछ काम किया है, तो मैंने सोचा कि चलो अपने बर्थ नेम को भी कुछ जस्टिस दिया जाए, इसलिए इस नाम से मैंने चैनल खोला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आर्केंजल माइकल को कॉल करते हैं और हम देखते हैं कि डी आर्केंजल माइकल प्लीज़ आइए और हमें कनेक्ट हो जाइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन की करंट एनर्जी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी क्या है, प्लीज़ गाइड मी। जी, ये तो थर्ड पार्टी को अपनी विक्ट्री मान रहे हैं। अच्छा जी, चलिए आ गई। क्या थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है क्या? जी, इसीलिए हर्मिट मोड में चले गए, हैंग है, स्टक है, थम सी गई है बिल्कुल एनर्जी इनकी। जी चलिए चलिए, समझ में आ गया, आ गया आ गया। थैंक यू आर्केंजल माइकल, आपने बहुत अच्छी एनर्जी हमें दे दी। जी, थर्ड पार्टी के लाइफ में तो थर्ड पार्टी है जी, सेपरेशन चल रहा है, हार्ट ब्रेक हुआ है आपके पर्सन का, क्योंकि थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है इसी वजह से बहुत इन दोनों में झगड़े हुए हैं। यहाँ पे हीलिंग चल रही है, एक कार्ड एक्स्ट्रा गया मैंने ले लिया। यहाँ पे चल रही है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, बातें बंद है, बातें नहीं हो रही आजकल। लगता था इनको थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिश्ता है ये उनको वो विक्ट्री दे सकती है जो इन्होंने कभी मैनिफेस्ट की थी। इनको लगता था कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता बड़े अच्छे से जाएगा, इनको सब मिलेगा, हर लाइफ इनकी खुशियों से भरी रहेंगी, ऐसा इनको लगता था। बट क्या हुआ है ना कि थर्ड पार्टी के साथ मुझे लगता है इनको ट्रस्ट इश्यू हो रहा है, इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, सेपरेशन मोड है, हैंग है, स्टक है, क्योंकि थर्ड पार्टी भाई इतनी ट्रस्टवर्दी तो नहीं है। जी, दिल टूटा है आपके पर्सन का, दिल थर्ड पार्टी ने तोड़ा है क्योंकि थर्ड पार्टी ने खुद उनके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी लाई है आपके पर्सन के साथ। ये एक धोखा, एक तरीके से धोखा ही हुआ, चीटिंग हुई है। आपके पर्सन को अब कतई भरोसा नहीं है थर्ड पार्टी के ऊपर। ये पर्सन हैंग है उस रिलेशनशिप में, कुछ भी नहीं कर पा रहे, निकल नहीं पा रहे, जबकि आपके पर्सन के इमोशंस इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के मुकाबले ज़्यादा थे।
इसीलिए इस वक्त आपके पर्सन बहुत पेन में जा रहे हैं। यहाँ पे लगता है किसी के पर्सन हेल्थ इशू इनके चल रहे हैं, कुछ तो हेल्थ इशू इनके चल रहे हैं। ये सेपरेशन मोड में है, जैसे कि इकट्ठे इकट्ठे से रहते हैं, दिखाने के लिए लोगों में रहते हैं। जब इनका काम है, इनको बोलना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, वहाँ तक लोगों में रहते हैं। बट जैसे ये पर्सन अकेले हो जाते हैं ना, तो ये पर्सन बिल्कुल अपने आप को इस तरीके से आइसोलेट कर लेते हैं। इनको बहुत पेन हो रहा है गाइस, इस धोखे ने इनको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। ये जो इनका जो लॉस हुआ है, जो ब्रेकअप हुआ है ना, बहुत गलत हुआ है इनके साथ, बहुत गलत। आर्ग्यूमेंट हुए आपके पर्सन थर्ड पार्टी के भी साथ, ये आर्ग्यूमेंट क्यों क्या हुए होंगे मैं बताती हूँ। आपके पर्सन ने डेफिनेटली कुछ क्लैरिटी मांगी हुई थर्ड पार्टी के से, और थर्ड पार्टी ने वो दी नहीं है। आपके पर्सन शायद खुश नहीं, अगर दी भी है तो उस आंसर से आपके पर्सन खुश नहीं है। अगर थर्ड पार्टी के साथ ये रिश्ता इतना आगे बढ़ गया है कि ये पर्सन निकल नहीं पा रहे, स्टक हो गए, जबकि इनको पता है कि थर्ड पार्टी ट्रस्टवर्दी तो नहीं है, ये बहुत गलत पर्सन से इनका पाला पड़ चुका है, बट अब वहाँ से निकलने की ये पर्सन की एनर्जी कि अब मुझे निकलना कैसे है इस रिश्ते से। चलिए देखते हैं, हम लोग क्लेरिफाई करते हैं कि यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। इस गाइड में आर्कएंजल माइकल सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। जी हर्मेट ही आया है, देखिए यहाँ पे ये हर्मेट, हर्मेट जी रिलेशनशिप से किसी ने तो निकल गए भाई इस रिश्ते। देखिए ये में मुझे लगता है कि आज में रिवर्स ही लो, जो रिश्ता था ना उस रिश्ते में कुछ रहा नहीं है, ये निकलने की राह देख रही है पर्सन उस रिश्ते से। ये प्यार था, आप मैंने बोला ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे इस रिलेशनशिप में, और शायद आपके पर्सन ने अप्रोच किया हो थर्ड पार्टी को पहले। ये थर्ड पार्टी से निकलने की एनर्जी मुझे लग रही है, आइसोलेट करके वहाँ से निकलने की। ये रिश्ता शुरू हुआ था थर्ड पार्टी की ओर से नहीं था, आपके पर्सन ने अप्रोच किया था, इन दोनों में सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ था। यस प्यार भी था, मतलब आपके पर्सन की ओर से मुझे लग रहा है ये प्यार वाली इमोशंस, बट अब इस रिश्ते में इनको कुछ लगता नहीं है आपके पर्सन को। ये हर्मेट मोड में है, ये कभी एक बार एक वक्त ऐसा था कि इस थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने काफ़ी एंजॉय किया है। हर्मेट क्यों है फिर, जी विक्ट्री, मैंने बोला ना इनको लगता था, हर्मेट को क्लेरिफाई कर रहा है और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, सिक्स ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है हर्मेट, और हर्मेट को क्लेरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ वैंड्स। इस पर्सन को लगता था हमेशा कि इस थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने जो शुरुआत की थी, इनकी लाइफ की सबसे अच्छी अचीवमेंट थी, विक्टोरियस मोमेंट था, इनको फील होता है थर्ड पार्टी को। यहाँ पे किसी किसी को ये भी लगता है, देखिए इतना इन्होंने थर्ड पार्टी से खा लिया, इसके बाद भी ना ये पर्सन थर्ड पार्टी के और ही खींचे जाते हैं। ऐसा क्या थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर मैजिक किया है पता नहीं है, बट ये पर्सन बार बार थर्ड पार्टी के साथ ही शुरुआत करने के लिए जाते हैं, और मुझे लगता है ये सेक्सुअल एडिक्शन ही मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी की ओर इनको खींचता है। तो आप फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे एक तो लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका ब्रेकअप हुआ था और हाल ही में इस रिश्ते की शुरुआत हुई है, और इस रिश्ते की शुरुआत किसी में पता है, यहाँ पे किसी ने स्पेल करवाया है आपके पर्सन के ऊपर, ये किसी की स्पेल की एनर्जी है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने कुछ तो किया है जिसकी वजह से ये रिश्ता तो ख़त्म हो चुका था, और इतना गलत होने के बावजूद भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी की ओर खींचे जाते हैं और वहाँ पे फिर से रिलेशनशिप की एक नई स्टार्ट करते हैं। सडनली आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ ये रिश्ता एक विक्टोरियस मानने लगते हैं, थर्ड पार्टी के साथ इनको वो प्यार नज़र आता है, जबकि ऐसा नहीं। इसलिए लवर का कार्ड रिवर्स आया है यहाँ पे, यहाँ पे इनको प्यार लगता है बट असल में ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ स्पेल कुछ तो हो रहा है आपके पर्सन के ऊपर। हंगमैन की एनर्जी क्यों है एंजल, देखिए ये वहाँ पे तो थर्ड पार्टी के साथ जब भी ये होता है, इनको एडिक्शन होता है, एक स्टार्ट होती है जाते हैं,
बट मैक्सिमम टाइम आपके पर्सन ना वहाँ पे स्टक ही है, जैसे कि सब कुछ इनके सराउंडिंग है, सब कुछ लोग, सब लोग है, काम है, सब है, बट फिर भी एक अकेलापन आपके पर्सन फील करते हैं। इनको अंदर से लगता है कि ये अटक गए, ये फंस गए हैं। इनकी इंट्यूशन इनको बोलती है कि कुछ गलत हो रहा है, बट ये कुछ एक्शन नहीं ले पाते। कोशिश भी करते हैं वहाँ से निकलने की, ये पर्सन उस हैंग सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको अकेलापन फील हो रहा है। इस वक्त ये पर्सन कोशिश कर भी रहे हैं, बट देखते हैं क्या होता है आगे। नाइट ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल जी? बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है, कुछ कर्मा हुआ है गाइस, आपके पर्सन के साथ कुछ तो कर्मा हुआ है, क्योंकि कुछ तो सामने आया है, थर्ड पार्टी का कुछ तो रूप इनके सामने आया है। जैसे कि यहाँ पे और एक था नाइन ऑफ पेंटेकल्स एंड थ्री ऑफ पेंटेकल्स, क्या सच सामने आया है ना कि यहाँ पे थ्री ऑफ कप भी है। अब जजमेंट हुआ है, क्या हुआ है, क्या समझ में आया है, इतने बाउंड्रीज, इतने ट्रस्ट इश्यूज क्यों हैं, इतना आप पर्सन समझ चुके हैं आपके पर्सन के थर्ड पार्टी को, बहुत सेल्फिश है, अपने आप में रहने वाले पर्सन है, इनको बस पैसों से मतलब है, इनको फाइनेंस चाहिए, इनको घूमना चाहिए, इनको पार्टी चाहिए, इनको बस इंजॉयमेंट करनी है आपके पर्सन के साथ। यहाँ पे इमोशंस के नाम पे मुझे अब तक कुछ भी नहीं दिखा है। जैसे कि थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पर्सन के साथ इनका फ्यूचर एक सिक्योर डिपॉजिट की तरह है, और शायद आपके पर्सन ने ये भांप लिया है। इमोशंस आपके पर्सन की ओर से ही मुझे लगे, मैंने पहले ही आपको बोला है। सेवन ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है? मुझे यहाँ पे लगता है ना कि किसी ने थर्ड पार्टी के साथ शादी कर ली है चोरी छिपे, और अभी समझ में नहीं पा रहे कि इनको करना क्या है। या तो ये पर्सन आपके साथ मैरिड है और आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, और आपके पर्सन सोच रहे हैं कि किस तरह से वहाँ से निकलकर अपने मैरिड रिलेशनशिप में आया जाए, नहीं तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ चोरी छुपे कोई शादी कुछ या फिर शादी जैसी कमिटमेंट दी है, और वहाँ से अब ये पर्सन निकलने की सोच रहे हैं, बट ये इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ये कोशिश तो कर रहे हैं बट ये निकल नहीं पा रहे। टावर की एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज़ गाइड मी। या तो आपके पर्सन जिनसे डील करते हैं ना, ये कहीं और मैरिड है और वहाँ पे ये फंस गए हैं। टावर की एनर्जी क्यों है एंजल? बहुत आ गए, इतने नहीं लूँगी मैं, एक एक करके लूँगी, अच्छे से शफल भी नहीं हुई। एंजल माइकल प्लीज गाइड मी, टावर की एनर्जी क्यों है? जी मुझे लगता है आपके पर्सन ने ना रास्ता शायद ढूंढ भी लिया है, और वहाँ से निकल गए आपके पर्सन। थर्ड पार्टी के साथ इनका ब्रेकअप हो चुका है, ये थर्ड पार्टी से निकल गए ये पर्सन। थर्ड पार्टी ने कोशिश तो बहुत की है आपके पर्सन को वापस उनमें लाने की, या फिर अभी भी ये कोशिश जारी है, बट फिलहाल आपके पर्सन के एनर्जी उस रिश्ते से निकलना, उस रिश्ते को एंड करना है। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? टावर डेथ, अच्छा जी चलो ले ही लेते हैं। आ गए किसी के लिए डिटेल मैसेज आ गया, मैं ले नहीं रही थी बट मैंने ले लिया। देखिए हार्ट ब्रेक होने के बाद आपके पर्सन यहाँ पे देखिए अगेन टावर मोमेंट दो बार आए, एक सेपरेशन मोड उन दोनों में हो चुका, क्योंकि हार्ट ब्रेक आपके पर्सन का हुआ था, एंड हुआ उस रिश्ते का। ये पर्सन के एनर्जी आ रही है टूवर्ड्स यू, ये अभी अपने फैमिली में आना चाहता है, ये अगर आपके साथ मैरिड है तो। इनके लिए आप इनके हाई प्रिस्टेस हो, ये आपको बहुत ही इंटीट्यू मानते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छी आपकी एनर्जी ये मानते हैं, और आप ही ऐसे एक मैच्योर पर्सन हो, समझदार पर्सन हो, इंटीट्यू पर्सन हो, शायद आप एक अच्छे पोजीशन पे जॉब पे हो, प्रमोशन आपको अभी मिला है, एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी से आप बिलोंगिंग करते हो, जैसे कि कोई हीलर हो, यहाँ पे कोई टैरेट कार्ड रीडर की मुझे एनर्जी आ रही है। तो ऐसे आपके पर्सन टूवर्ड्स यू आना चाहते हैं, ये शायद इन्होंने कोशिश भी की है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के, इनके हस्बैंड वाइफ अगर थर्ड पार्टी के साथ गए थे तो इनका कम्युनिकेशन वापस स्टार्ट हो चुका है,
ये पर्सन आपके साथ आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। यहाँ पे मैंने आपकी एनर्जी नहीं निकाली, इसलिए मुझे लगता है आर्कएंजल एक ही कार्ड पे इतनी एनर्जी दे रहे हैं। ये दो कार्ड पे बहुत एनर्जी आ गई है, ये वहाँ से निकल गए हैं। फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल जी? यहाँ पे हार्ट ब्रेक तो हुआ है और हार्ट ब्रेक के कारण बहुत झगड़े हुए हैं। और देखिए ये पर्सन ने क्या किया था ना, देखिए यहाँ पे फोर ऑफ सोर्स, यहाँ पे फोर ऑफ सोर्स, एक सेपरेशन मोड चल रहा है और ये अपोलॉजी आपके लिए आ रही है, ये अपोलॉजी आपके लिए आ रही है। सेपरेशन मोड है, कम्युनिकेशन में नहीं है, हार्ट ब्रेक के कारण इन दोनों में झगड़े हुए हैं और झगड़े में शायद हार्ट ब्रेक हुआ, ये भी बात हो सकती है। बट ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं 3, 4, 5 असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे किसी की नेचुरल तरीके से हीलिंग चल रही है, या फिर कोई मतलब ये आपकी ओर से भी एनर्जी जा रही है कि आप खुद हीलिंग कर रहे हो, हील कर रहे हो इस रिश्ते को, या फिर इस पर्सन की यूनिवर्स की ओर से हीलिंग हो रही है। इनको दिखाया जा रहा है आईना कि जिनके लिए आप इतना सब कुछ कर गए थे, असल में देख लो ये कैसे हैं। फोर ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स जी, इन्होंने डिटैच कर दिया थर्ड पार्टी को, कम्प्लीटली कट करके रखा है। नाइन ऑफ फ्रेंड्स देख लेते एक बार, नाइन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है जी? हाँ, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है, ईगो में है, थर्ड पार्टी भी कुछ कम ईगो में नहीं है, बहुत ईगोस्टिक है थर्ड पार्टी, और कम्प्लीटली मतलब ये ईगो के चलते ही मुझे लगता है, अरे ये दूसरे डेक से था, कम्प्लीटली ईगो के चलते ही मुझे लगता है ना कि इस पर्सन ने कम्प्लीटली डिटैच तो कर दिया है जी। हाँ, बैलेंस बनाने की एनर्जी है, ये खुद को बैलेंस करने की एनर्जी है। ट्रस्ट इश्यूज तो बहुत है, अब समझ तो नहीं आ रहा इस पर्सन को, बट इन्होंने एक लीव ऑफ फेथ ले लिया, एक यूनिवर्स में भरोसा करके ये पर्सन चल रहे हैं। या तो आपके पर्सन आपको उन्होंने कांटेक्ट किया है, अप्रोच किया है माफी के साथ, इस आपके साथ रिश्ते को बढ़ाने की किसी न किसी की से मांग हो रही है, क्योंकि इनको इनके किए का कर्मा मिल चुका है। थर्ड पार्टी ने उनको सेम कर्मा दिया है जो इन्होंने आपको दिया था, और इस तरीके से एक टावर मोमेंट झेलने के बाद, एक नहीं यहाँ पे दो दो बार टावर मोमेंट आए, टावर मोमेंट झेलने के बाद इस पर्सन की खुद नेचर की, यूनिवर्स की ओर से, डिवाइन की ओर से हीलिंग हुई है, जहाँ पे इनको अवेकन हो चुका है। प्रिस्टेस की एनर्जी इनकी खुद की अवेकनिंग के लिए भी बोली जा सकती है, इनकी खुद की अवेकनिंग हो चुकी है, और अवेकनिंग होने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपके आपका भी ऐसे दिल तोड़ा था, आपको भी ऐसे ही झगड़ के ये पर्सन आए थे, आपको भी ऐसे इन्होंने हेल्थ इश्यू दिए थे, सेपरेशन मोड दिया था, इसके बाद ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग के आ रहे हैं, और थर्ड पार्टी को इन्होंने कम्प्लीटली डिटैच करके रख दिया है। ये पॉलिटिकल माइंड पर्सन आप मुझे आपके लगते हैं, बहुत पॉलिटिकल माइंड माइंडेड पर्सन है, इगोइस्टिक है, बहुत घमंड इस पर्सन के मन में है, बट अब यूनिवर्स ने इनकी मरम्मत की है तो यहाँ तक ये माफ़ी तक आ चुके हैं। ये किसी गलत एनर्जी के साए में तो डेफिनेटली है, या तो अभी है या तो हो सकता है थर्ड पार्टी करे ये कोशिश आगे। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, मेरे जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स थर्ड पार्टी क्या है? ये थर्ड पार्टी फाइनेंस को लेकर ही आपके पर्सन के साथ जुड़ी है, इतना तो मुझे लग रहा है। क्या है थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स थर्ड पार्टी जी? चिटिंग होने के बाद भी ना जी, इस पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी ही जाती है। हाँ, ये शुरुआत थर्ड पार्टी के साथ ही करते हैं,
अभी क्या बोल सकते हैं, ये हो सकता है कि ये कुछ कर रही था थर्ड पार्टी, जिससे कि स्पेल कर रही है, कुछ तंत्रा कर रही है, इसका इफेक्ट हो सकता है। ऑप्शंस तो है, 7-7 की ना जाए यहाँ पे। थर्ड पार्टी की ओर से इनको चीटिंग ही मिलने वाली है गाइस, बट इतना होने के बाद मुझे लगता है ना, थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने, या तो इनकी ऑलरेडी शादीशुदा जिंदगी थर्ड पार्टी के साथ है और वहाँ पर स्टेबिलिटी है, ये पर्सन अपना वो जो कंफर्ट जोन है ना वो छोड़ नहीं सकते, इसीलिए थर्ड पार्टी के साथ चीटिंग हो रही है, इनको पेन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बट फिर भी रिश्ते की शुरुआत थर्ड पार्टी के साथ ही हो रही है, क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, या फिर इनको ऑलरेडी एक बोलते ना कि अच्छा खासा एक लाइफ इनका बस चुका है, स्टेबल लाइफ इनका बस चुका है, और वहाँ से निकलना है तो आपके पर्सन को काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, इसीलिए ये पर्सन कोई एक्शन थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स नहीं इनको दिखता है नेक्स्ट एक्शन में। करंट एनर्जी में तो इनको लगता है कि इन्होंने रिश्ता एंड कर दिया है, एक इनके लिए हो सकता है कि आप मैरिड है और आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, तो उनके लिए एनर्जी होती है कि वहाँ से शायद थर्ड पार्टी कट हो जाए, बट यहाँ पे मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए एनर्जी क्या लगती है कि आपके पर्सन कहीं और मैरिड है और उनके लिए ज़्यादा एक्शन निकल के आई है, इसीलिए पर्सन वापस शुरुआत करते हैं, या तो आपके पर्सन आपके साथ मैरिड है, थर्ड पार्टी के साथ भी इन्होंने चोरी छुपे शादी की है, बट एक शादी का रिश्ता मुझे लग रहा है, इसीलिए इतना पेन होने के बाद भी ये पर्सन नहीं थर्ड पार्टी को छोड़ पाते, इनके साथ ही इनकी शुरुआत होती है। स्टेबल है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है थर्ड पार्टी, ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, और इनको लगता है कि अगर थर्ड पार्टी को वो छोड़ेंगे तो इनको काफ़ी सारा पेन मिलेगा, इनको सारे काफ़ी सारे पेन का सामना इनको करना पड़ सकता है। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? ओहो, पहला ही कार्ड देखिए, 7 ऑफ सोर्स को कौन क्लैरिफाई कर रहा है? 7 ऑफ सोर्स एंड डेविल, पता समझ आ चुका है आपको, ये चीटिंग कहाँ से हो रही है? चीटिंग हो रही है यहाँ पे डेविल से, तंत्र मैजिक चल रहा है पर्सन के ऊपर दम के, इसीलिए चीटिंग होने के बाद भी ये पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ रहे, समझ में आ गया आप? बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी गाइस, इसीलिए मैं सब पैक ही कर लिया अपने कमरा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए पहला ही कार्ड, चीटिंग हो रही है, बट चीटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि तंत्र चल रहा है कुछ, तो फाइनेंस से जुड़ी है थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी ही करवा रही है कि आपके पर्सन छोड़ के ना जाए, जबकि करंट एनर्जी में यही आया था, दिल टूटता है, रोते हैं, माफ़ी मांगने के लिए आते हैं, आपके टूवर्ड्स आने की एनर्जी आती है, बट आ नहीं पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि बीच में थर्ड पार्टी इतना राड़ा करती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? एंजल प्लीज गाइड मी। जी देखिए, ये ब्लैक मैजिक का इफेक्ट देख रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक मिलता है रिश्ते में, विक्ट्री मिलती है, घूमना फिरना होता है, स्टेबिलिटी आती है, कुछ तो स्पेल वर्क हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जी एम्प्रेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स को किंग ऑफ पेंटिकल्स ने क्लेरिफाई किया है, या तो ये थर्ड पार्टी इनके बच्चों की माँ है, स्ट्रांग है फाइनेंशियली, आपके पर्सन से ज़्यादा स्ट्रांग लगती है मुझे थर्ड पार्टी, इसीलिए इनको लगता है कि विक्ट्री इनके साथ ही है, इनके साथ वो रहते हैं तो इनका लाइफ बड़ा अच्छे से कटता है, इमोशंस हो ना हो, बाकी लाइफ का अदर कंफर्ट जोन बड़े आसानी से थर्ड पार्टी के साथ इनका कटता है। ये पर्सन, मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन खुद किसी ब्लैक मैजिक के सहारे चलते हैं, चीटिंग थर्ड पार्टी के साथ भी शायद ये पर्सन करते हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि थर्ड पार्टी की ओर से इनके साथ चीटिंग होती है, क्योंकि थर्ड पार्टी जुड़ी है आपके पर्सन के साथ एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी के लिए ही, या तो थर्ड पार्टी इनके साथ मैरिड है और थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आपके पर्सन इनको छोड़ के कहीं जाए,
क्योंकि इनको भी अपना मैरिड रिलेशनशिप बचा के रखना है और आपके पर्सन को अपना कंफर्ट जोन बचा के रखना है। ये सब कब के एनर्जी क्यों है एंजल? अकेले तो रहते हैं ये पर्सन, एक कोशिश करते हैं हमेशा। फाइनेंशियली आपके पर्सन थर्ड पार्टी के मुकाबले मुझे वीक लगते हैं, इसीलिए ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बार बार रिश्ते की शुरुआत करते हैं, उस रिश्ते में रहने की कोशिश करते हैं, उस रिश्ते में प्यार लाने की कोशिश करते हैं। एंड ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? देखिए यहाँ पे एक बैलेंस बनाने की एनर्जी है, ब्यूटीफुल है थर्ड पार्टी, अट्रैक्टिव है, स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है, इनकी सारी विश शायद थर्ड पार्टी की वजह से कंप्लीट होती है, इसीलिए ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अपना रिश्ता शुरू करते हैं, इनको बार बार अप्रोच करते हैं, प्रपोज करते हैं, रिश्ता बढ़ाते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? पेन तो मिलता है थर्ड पार्टी की ओर से, बहुत ज़्यादा पेन मिलता है इनको, मिस करते हैं, पेन मिलता है, दर्द मिलता है, बिट्रेल की एनर्जी है। कभी कभी इनको लगता है कि भाई मैं छोड़ ही दूँ, क्यों जी रहा हूँ मैं ऐसा ऐसा सब कुछ, बट फिर आती है एक स्टार्ट की एनर्जी, फिर स्टार्ट कर लेते हैं उसी के साथ, फिर थर्ड पार्टी के साथ ही मूव ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन में लगता है पेनफुल साइकिल थर्ड पार्टी का और उनके बीच का चल रही है वो खत्म हो जाए। ऐसा पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? शुरुआत करते हैं फिर फंसते हैं, शुरुआत करते हैं फिर फंसते हैं, इनको लगता है भाई अब ये खत्म हो चुका, चलो रिश्ते की शुरुआत कर दी, फिर से फंस गए। कोई लीगल मैटर भी लग रहा है मुझे यहाँ पे, किसी लीगल मैटर में फंस सकते हैं, इसीलिए ये थर्ड पार्टी के साथ ही रिश्ते में बंद के रह गए हैं या फिर बंद के रहेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? लेट गो नहीं करेंगे। यहाँ पे बार बार इस सेवन ऑफ कप की एनर्जी आती है। ये पर्सन थर्ड पार्टी को लेके पॉजिटिव भी बहुत हो रहे हैं। मुझे लगता है थर्ड पार्टी ना बहुत सारे ऑप्शंस के साथ भी डील करती है। इस रिलेशनशिप में काफ़ी और ज़्यादा ऑप्शंस भी है। थर्ड पार्टी को लेकर हो सकता है इनकी कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। और यही बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये पर्सन थर्ड पार्टी में स्टक रहता है, वहाँ से निकलने की एनर्जी होती, बट या तो थर्ड पार्टी ऐसी कोशिश करती है कि जिसकी वजह से निकलना इतना आसान नहीं है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? हैंग टू ऑफ पेंटेकल्स एंड नाइन ऑफ कप। अप्रोच करते हैं क्योंकि इनको बैलेंस बनाना है किसी भी सिचुएशन से, इनको बिल्कुल भी हैंग रहना अच्छा नहीं लगता इस रिलेशनशिप में। विश फुलफिलमेंट इसी के साथ है आपके पर्सन की। डेफिनेटली एक ऐसे रिश्ते में है आपके पर्सन ना, इनको आसान नहीं वहाँ से निकलना, अगर कोशिश भी करते हैं ना तो यही फंसने वाले हैं। और इतना होने के बाद भी अगर ये पर्सन आपके बारे में सोचते, आपके पास आने की सोचते, तो थर्ड पार्टी अपनी ओर से कुछ ना कुछ कोशिश कर ही देती है जिसकी वजह से ये पर्सन पूरे फंस जाते हैं। किंग ऑफ कप जी, यहाँ पे प्यार व्यार सब कुछ बताया जाता है। सेवन ऑफ कप बहुत डिफेंसिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कदम रखा जा रहा है,
आपके पर्सन की ओर से बहुत सोच समझ कर। मुझे लगता है आपके पर्सन ही इमोशनली इन्वॉल्व है थर्ड पार्टी में, इसीलिए यही पर्सन कोशिश कर रहे हैं बार बार थर्ड पार्टी के पास जाने की, इनको अप्रोच करने की। अब ये भी हो सकता है कि ये कुछ मंत्र तंत्र का या फिर कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक जिससे बातें हो रही है, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन इफेक्ट में थर्ड पार्टी के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं। बट यहाँ पे इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने वाली एक ब्लैक मैजिक एनर्जी मुझे लगती है, नहीं तो ऐसे लोग हैं जो डेविल एनर्जी में है, जो बहुत आसानी से आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर लेते हैं, अपने हिसाब से आपके पर्सन के माइंड के साथ खेलते, उनको अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। कभी इमोशंस का वास्ता देके, कभी कुछ मजबूरियों का वास्ता देके, कभी इनकी कुछ वीकनेस इनके हाथ में लगी इसका वास्ता देके कुछ भी करना, सब इसको डेविल एनर्जी बोलते हैं, नहीं तो सीधा सीधा मंत्र तंत्र या सीधा सीधा ब्लैक मैजिक, ऐसी बातें मुझे लगती हैं। देखते हैं फाइनल आउटकम क्या है। या तो ये पर्सन है चोरी छुपे थर्ड पार्टी के साथ मैरिज कर ली, या तो फिर ऑलरेडी मैरिड है, या तो ये रिश्ता एक मैरिज जैसा है, इसीलिए पर्सन इतनी बुरी तरीके से फंस गए इस रिश्ते में। इमोशंस भी इन्वॉल्व है आपके पर्सन के, तंत्र तो है बट जब शुरुआत तो आपके पर्सन ने ही की थी और आपके पर्सन ही ज़्यादा इन्वॉल्व है इस रिश्ते में। चलिए देखते हैं आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ क्या है इनका, इनके पास मतलब इस रिलेशनशिप का नेक्स्ट एक्शन क्या है इस गाइड में। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, ये मैं आपने तो आपके साथ देंगे आर्कएंजल माइकल जी। आर्कएंजल माइकल मैं जानना चाहती हूँ, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है, फ्यूचर या फाइनल आउटकम क्या है इस गाइड में। यहाँ पे मुझे बार बार एक क्या बात आ रही पता है, कि किसी को तो थर्ड पार्टी अगर फीमेल है ना, तो ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ मुझे यहाँ पे आ रही है। डेथ भी आ चुका है, नाइट ऑफ पेंटेकल्स भी आ चुका है, बहुत मिक्स एनर्जी है यहाँ पे। कोई मैसेज मैरिड वालों के लिए, कोई मैसेज अनमैरिड वालों के लिए लग रही है यहाँ पे, देखते हैं। हर्मिट, यहाँ पे हर्मिट एंड क्वीन ऑफ सोर्स के नजाई है। जस्टिस डिवोर्स सेपरेशन हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ, इनका रिश्ता आगे तो मुझे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी थर्ड पार्टी इनकी वाइफ है, स्पाउस है, पता नहीं, बट शुरुआत एक क्लेरिफिकेशन आएगा इस रिश्ते में, इसके बाद बड़े सेफली इस रिश्ते से ना निकल, मतलब एक निकलने की नजा रही है, फिर बहुत सेफली इस रिश्ते को हैंडल करेंगे आपके पर्सन या फिर थर्ड पार्टी भी। बट इस रिश्ते में मुझे कोई फ्यूचर तो नहीं दिख रहा है, इनमें बहुत ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व है और आपके पर्सन बिल्कुल, इनकी एनर्जी इतनी मैच्योर तो मुझे नहीं लगती है। एक वर्ल्ड की एनर्जी मुझे इंडिकेट करती कि जैसे कि यहाँ पे कोई फ्री हो रहा है इस रिश्ते से, जस्टिस किसी को मिला है कोई, क्योंकि कुछ क्लियरिटी सामने आई है। अब एम्प्रेस की एनर्जी लगती है कि या तो ये पर्सन मैरिड है तो शायद वहाँ से निकल जाएंगे, या फिर आप इस पर्सन के साथ, आप इस पर्सन की वाइफ या फिर हस्बैंड हो
तो लगता है कि आपके सामने क्लियरिटी आने के बाद आप अपने आप को सेफ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। या फिर थर्ड पार्टी अगर इनकी वाइफ है तो शायद थर्ड पार्टी कुछ ऐसा डिसीजन ले जहाँ से अपना सेफ्टी जोन देखेगी, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी मुझे दिख रही है। कोई एक तो बहुत रिलैक्स हो जाएगा इस रिलेशनशिप को एंड होने के बाद, बट यहाँ पे किसी के जाने की एनर्जी, अकेलापन और यहाँ पे डिटैचमेंट की एनर्जी, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है इस रिश्ते में। एक बात मुझे लगी है कि हो सकता है कि किसी की थर्ड पार्टी सच में प्रेग्नेंट हो, कोई गुड न्यूज़ आपके पर्सन को दे, तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात आपके लिए फिर हो जाएंगे अगर आप इनके स्पाउस हो तो, लगता है। बट धीरे धीरे इस रिश्ते से ये आपके पर्सन निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। या तो थर्ड पार्टी खुद जाएगी या तो आपके पर्सन खुद जाएंगे। थर्ड पार्टी जाएंगे ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, आपके पर्सन ही यहाँ से निकलेंगे। कुछ क्लैरिटी थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन के सामने डेफिनेटली आने वाली है, जहाँ से शायद आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि खुद को किसी तरीके से सेफ करना ही में इनकी समझदारी है, इनकी भलाई है। और ये समझने के बाद ये पर्सन इस रिश्ते को एंड कर देंगे और अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, धीरे धीरे। हालांकि जिस लाइफ की ओर ही जा रहे हैं यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी ये पर्सन अपनी कोशिश करेंगे। इस पेनफुल साइकिल से ये पर्सन निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक अकेलापन इस रिश्ते में ये देख रहे हैं यहाँ पे ये अकेलापन आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, मुझे दोनों में अकेलापन दिख रहा है। वैसे मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा इस रिश्ते का। जस्टिस क्या है? जस्टिस क्यों है एंजल जी? न्याय होगा, ये न्याय मुझे आपके साथ दिख रहा है। ये विश फुलफिलमेंट मुझे आपकी दिख रही है। ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपकी है, आप इंटीट्यू पर्सन हो, ये पर्सन आपके पर्सन भी खुद मानते हैं। वर्ल्ड क्यों है? क्योंकि कुछ कर्मा हुआ है, डिवाइन ने इनको अब उनका किया हुआ उनका सूट समेत उनको रिटर्न कर दिया है, इसीलिए हरमेट मोड है। ये हरमेट मोड इसीलिए इनको मिलेगा, अकेलापन तब समझ जाएंगे, तब ये हरमेट मोड इनको क्लैरिटी देगा। हरमेट मोड के बाद इनको क्लैरिटी आएगी सामने, इनको लगेगा कि इन्होंने अपने स्पाउस के साथ सच में बहुत गलत किया था, अपने स्पाउस के साथ ही इनके रिश्ते की सेफ्टी है। एस ऑफ सोर्स के नजदीक है एंजल, क्या क्लैरिटी आने वाली है जी? बहुत इनके सामने चीज़ें आने वाली है गाइस, और उसके बाद एक टफ डिसीजन आपके पर्सन मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही एक स्ट्रांग एंड फर्म डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं क्लैरिटी आने के बाद। अब एम्प्रेस क्यों है? मैक्सिमम ना मुझे क्या लग रहा है कि ये एम्प्रेस आप लगते हैं मुझे। क्लैरिटी मिलने के बाद, हर्मिट मोड आने के बाद समझ में आता है कि अपने स्पाउस के साथ इन्होंने गलत कर दिया है। तब तक आप क्या होंगे ना फ्यूचर में, ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस, एक कंप्लीट आप पैक हो, ऐसे बन जाएंगे। फाइनेंशियली आप ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, बहुत एक बड़ा मुकाम आपने हासिल कर लिया हो, शायद एक विश फुलफिलमेंट आपकी कंप्लीट हुई। क्योंकि यहाँ पे भी लगता है हाई प्रिस्टेस, ये पर्सन हाई प्रिस्टेस मानते हैं, ये इनकी वाइफ है, इनके स्पाउस है, विश फुलफिलमेंट है। या 99 की एनर्जी आती है आपको लेकर। सेवन ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? एंजल भी पूरा आंसर देते हैं, क्लेरिफिकेशन में तो पूरा आंसर मिलता है हमें जी। जस्टिस, क्वीन ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ फैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्स की दो बार एनर्जी आई है यहाँ पे। क्या होता है ना कि मिलता है ये पर्सन तो डिटैच कर देंगे भाई, क्योंकि इनको लगेगा अपनी लाइफ की खुशहाल भरी जिंदगी चाहिए ना, तो भाई इसको डिटैच ही कर दे। एक बात ये भी लगती है कि ये थर्ड पार्टी सेल्फिश भी है, शायद ये बात भी आपके पर्सन समझ जाएंगे।
इससे रह के इनकी लाइफ की कोई भलाई वैसे भी नहीं होने वाली, समझ जाएंगे ये पर्सन। डेथ और रिबर्थ की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? जी एंड कर देंगे, मैंने बोला ना यहाँ पे एंड होने के बाद ये पर्सन आते ही टूवर्ड्स यू, और यहाँ पे कंप्लीट डेथ हो जाएगी इनके रिश्ते की। और रिबर्थ कहाँ पे होती है? इनके हेरोफेंट एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है यहाँ पे मैरिड लोगों की ज़्यादा एनर्जी आ रही है, ये अपने मैरिज को तवज्जो देंगे, अपने मैरिज में अपनी वाइफ को अपने स्पाउस को वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। शायद इनको तब तक आपकी अहमियत समझ में आ जाएंगी। फूल की एनर्जी क्यों है एंजल? जी किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, ये आपकी एनर्जी आ गई इसमें। आप बीच बीच में स्टेबिलिटी है, आप प्यार करने वाले पर्सन हो, केयरिंग हो, नर्सरिंग हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप अट्रैक्टिव हो, आप बिल्कुल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, विश फुलफिलमेंट है। जैसे आप इतने स्ट्रांग पावरफुल एक स्ट्रांग और के पर्सन हो जिसको छू के इनकी सारी विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो जाती है। और ऐसे पर्सन को लेकर इनके मन में किंग एंड क्वीन कपल के नजर आ चुके हैं, तो ये अपने ही पार्टनर के पास आएंगे, मतलब आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। मून हिडन रहेंगी बातें, अब ये थर्ड पार्टी को लेकर जा रही है कहाँ से निकल रहे, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें छुपाई गई थी, जहाँ पे इनके इमोशंस हर्ट हुए थे, वहाँ से धीरे धीरे निकलने की एनर्जी है। खुद में एक बदलाव लाना है, खुद में एक ठहराव लाना है, इसीलिए धीरे धीरे इस इमोशनल एग्जॉस्टमेंट इनको जो मिला है वहाँ से निकलेंगे ये पर्सन। फॉर योर फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसको? फैमिली को। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, अब मिस तो आपको करेंगे गाइस डेफिनेटली, वहाँ से निकलने के बाद ही मिस करेंगे। अगेन यहाँ पे फुल के न जाइए, इतना होने के बाद ही इस पर्सन को आपकी कीमत, आपकी अहमियत समझ में आती है। फिर ये पर्सन आते हैं, आपको दिन रात मैनिफेस्ट करेंगे, आपके साथ इनकी फैमिली है, बच्चे हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की है एंजल? जी देखिए वही एनर्जी आती है, हर कार्ड में वही एनर्जी आती है। कुछ गलत एनर्जी के इफेक्ट में ये पर्सन थे, देखिए कितने मैसेज मिले हैं, कितने मैसेज मिले। देखिए टेन ऑफ सोर्ड्स, क्या पेनफुल था इस पर्सन के लाइफ में? इस पर्सन के लाइफ में बहुत सबसे पहला पेनफुल ये था कि यहाँ पे कोई एक डेविल एनर्जी का इफेक्ट था, डेविल एनर्जी के साए में ये पर्सन थे, जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आपको भी दिया और इनको भी ये कर्मा कुछ मिला है। इसके बाद इस पर्सन के और थर्ड पार्टी के रिश्ते का कंप्लीट डी एंड होने वाला है। भले डेविल कितने भी अपने आंखें फाड़ फाड़ के देखे, वही तुझे तो मिटना ही है, क्योंकि डिवाइन से बढ़कर कोई एनर्जी होती ही नहीं है डेविल महाशय, तो आपको तो मिटना ही है। भले इसमें आपको तकलीफ हुई है, बट देखिए फिर आपके पर्सन को समझ में आता है कि इस रिश्ते में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे थर्ड पार्टी की ओर से, जिन्होंने बहुत गलत आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया था, कान भरे थे, इनको ब्रेन वॉश किया था, जिसकी वजह से ये सेपरेशन मोड आपको देखे गए थे, और यही सेपरेशन मोड थर्ड पार्टी की ओर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये सारी बातें सामने आने वाली है। इस सारी बातें सामने आएंगी, यही क्लेरिफिकेशन मैंने आपको बोला था, इस ऑफ सोर्स क्लेरिफिकेशन इनको मिलने वाला है, और इसके बाद ये पर्सन को समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए इस ऑफ सोर्स और जजमेंट था, जब इनके सामने ये सारी बातें आने वाली है कि ये कहाँ से कैसे कैसे किया था और मेरे लाइफ में मुझे ये कर्मा क्यों मिला, ये सारी बातें क्लियर होने के बाद एक हर्मिट मोड मिलेगा। सॉरी गाइज मैं इतनी बार बोलती हूँ, कॉल मत किया कीजिए, बट क्या करें ना, आप लोग सुनते ही नहीं मेरी बात। तो देखिए यहाँ पे क्लियरिटी इस पर्सन को मिलती है, क्लियरिटी में सामने आता है कि किसी ने इतना कुछ गलत किया था, इतने लोग थे और इतने लोगों ने रिश्ता ख़राब किया था, जैसे कि इनका मैनिपुलेट किया हो, उनको ब्रेन वॉश किया हो,
और यही सेम कर्मा इनको मिलता है। और इसके बाद ये पर्सन समझते कि अरे हाँ, इसीलिए मेरे साथ इतना गलत हुआ है। और इसके बाद ये पर्सन क्या करती है, क्लैरिटी मिलने के बाद इनको स्टार्ट करनी है वहाँ से तुरंत निकल, जहाँ पे मैंने यहाँ से एनर्जी निकाली थी यहाँ पे मैंने कनेक्ट की थी, तुरंत ही ये पर्सन थर्ड पार्टी को डिटैच करके ये पर्सन वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस रिश्ते से निकलना ही इनके लिए सही साबित होने वाला है। और वहाँ से ये पर्सन निकलते हैं, वहाँ से ये पर्सन मूव ऑन करते हैं, ये फाइनल आउटकम में आ रहा है इस पर्सन के, क्योंकि इनके सामने सारी बातें आने वाली है गाइस। अब तक ये पर्सन भरोसा नहीं रखते थे, बट ऐसी ऐसी सच्चाई इनके सामने आने वाली है कि इनके आँखों में ना, मतलब इनको समझ में नहीं आएगा कि सच क्या है झूठ क्या है। हर्मिट की एनर्जी क्यों है इंजन जी, जैसे कुछ छूट गया है इस पर्सन के डेथ, क्योंकि ये पर्सन आते तो है आपके पास, बट मुझे लगता नहीं आप भी इनको इतना आसानी से एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपके साथ तो कुछ बहुत अच्छा ही इन्होंने किया तो नहीं है। इसीलिए ये पर्सन अकेले रहेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि आपके साथ तो इन्होंने ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म कर दिया है। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि भाई आपको वहाँ पे ठोकर मिलने के बाद आप हमारे साथ आते हो, आपकी क्या आंखें फूट गई थी या फिर अक्कल घास चरने गई थी कि आपको हमारा डेडिकेशन कभी समझ में नहीं आया। थर्ड पार्टी की इतनी गलत बातें आपने एक्सेप्ट कर ली और हमारा प्योर डेडिकेशन प्योर लव आपको समझ में नहीं आया, ये आपकी एनर्जी में यहाँ पे बैठे बैठे पिक कर पा रही हूँ। और ये आपके पर्सन को पता है कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपका क्या कहना है, आपका आपका क्या ओपिनियन है इनको लेकर। और शायद इनको लगेगा कि आपके साथ ये रिश्ता वाकई में एंड हो चुका है, इन्होंने आपको लॉस कर दिया। थर्ड पार्टी के साथ बोलूँ तो ये थर्ड पार्टी के साथ भी ये रिश्ता मुझे एंड होते हुए दिख रहा है। और एक एनर्जी है इनको कट करने की थर्ड पार्टी को, और ये एनर्जी है आपके आपको प्यार देने की। यहाँ पे भी किंग ऑफ कप आया है, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप आया है, ये आपकी एनर्जी है। इनको अब आपकी बहुत याद आने वाली है आगे, अगर ये पर्सन अब तक आपके साथ आए नहीं ना, तो अब तक तो बहुत हल्के में शायद यूनिवर्स ने इनको ले लिया हो, बट आगे शायद इनको बहुत टफली चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है जी। तो मुझे लगता है कि आपके लिए तो मुझे कोई मैसेज निकालने की ज़रूरत तो नहीं लग रही। कल की एनर्जी भी देखेंगे हम लोग कि कल क्या आपको पार्ट टू में आता है कि थर्ड पार्टी क्या क्या करेंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की हरकतें तो इतनी अच्छी नहीं लगी हैं, तो इस पे तो डिटेल रीडिंग निकालनी पड़ेंगी। कल हम लोग निकालेंगे ये कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स आपके पर्सन क्या है। फाइनल आउटकम तो वैसे मैंने आज निकाल ही लिया है, बट हम लोग कल भी निकालेंगे, हो सकता है कुछ एनर्जी चेंज हो जाए। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं मैं बोलती हूँ, क्योंकि ये भी रीडिंग ना 50 मिनट तक चली गई है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, आप मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे, प्लीज़ गाइड मी। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाला है, कॉम्प्रोमाइज़ आपको ना कुछ टाइम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। मैंने बोला ना कि आपकी एनर्जी बहुत टफ हो चुकी है, परफेक्ट टाइम आपके लाइफ में आएगा जी, फॉरगिव कीजिए। मैंने बोला, अब भी मैंने बोला कि आप बहुत टफ हो चुके हैं, तो एंजल बोल रहे जी आप फॉरगिव कर दीजिए इनको। और यस, इस रिश्ते में आपके लिए एक हैप्पीनेस मुझे दिख रहा है, यस बोल रहे हैं आप जा सकते हैं इस रिलेशनशिप से। मैंने तुरंत बात पूछा था कि इनको इस रिश्ते से निकलना चाहिए ऐसा आने के बाद, तो वहाँ पे एनर्जी आई थी कि नो, आपको यहाँ से रहना चाहिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है, रिकंसिडर आप कर सकते हैं इस रिश्ते को। ये थे एंजल की गाइडेंस आपके लिए। तो गाइज, रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे डेफिनेटली बोलना, मुझे लगा था कि एनर्जी बहुत लंबी जाएगी, रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने पार्ट वन में ही आपको क्लेरिफाई किया है। पार्ट टू में हम लोग थर्ड पार्टी के लिए निकालेंगे, और अगर आप बोलेंगे कि इनकी रिलेशनशिप का भी के ऊपर भी आप रीडिंग बनाओ कि इनकी रिलेशनशिप की करंट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट फ्यूचर, तो हम लोग वो भी बताएंगे। बट मुझे थोड़ा डिटेल जाना था कि एक्चुअली आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है और क्या होगा, क्योंकि क्लेरिफिकेशन में क्या होगा असल में एनर्जी ये है, बट ये कहाँ तक कंप्लीट होगी या कहाँ तक ये सक्सेसफुल होगी, ये क्लेरिफिकेशन में आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जाती हूँ। तो कल हम लोग थर्ड पार्टी को लेकर ऐसे एनर्जी निकालेंगे, और फिर परसों आप बोलेंगे तो हम लोग
इनके रिलेशनशिप के ऊपर निकालेंगे। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।